जल की पीत पवन का थंभा रक्त बूंद का गारा, हार्ड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरबर पंख सेरा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलता है हम पी चलना, दूर गवन स्वरूप पर मरना। बहुत ही दुखी हिरदे दे नाल असी सारिया संगतां नूं सूचित कर रहे हैं और दस रहे हैं कि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आर एल गुप्ता जी, अखां दे स्पैशलिस्ट, जो जिन्होंने 21 साल तो जिन्होंने संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे ये सेवा निभाई है, और ऑकलस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों ने और देश विदेश दी संगतां ने जिन्होंने इत्थे इस हॉस्पिटल में कैंप लगाए अखां दे, ते बहुत ही सुंदर ढंग दे नाल जिन्होंने सेवा निभाईया, तो मेरा भाव साढ़े बहुत सत्कारयोग आर एल गुप्ता जी साढ़े कोलों शरीर करके जुदा होए, और उन्हां दी आत्मा लई असी उन्हां नूं शरदा दे सुमन भेट करदे हुए सारिया संगतां तक के मैसेज पहुँचाते हैं कि सारिया संगतां उन्हां लई अरदास करो और बेनती करो कि उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिले। तो असी सारिया संगतां दा भी धन्यवाद करते हैं, और जिथे सारिया संगतां दा धन्यवाद करते हैं उत्थे जनतक टीवी जिन्हां द्वारा आप जी ये देख रहे हो संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, और उन्होंने जो डॉक्टर आई स्पैशलिस्ट आर एल गुप्ता जी, वो साढ़े को अचानक सानू साढ़े तो जुदा हो गए, शरीर करके साढ़े तो जुदा हो गए, आत्मा करके साढ़े नाल ही है। तो असी सारे बेनती करते कि सारे उन्होंने अरदास करो जिन्होंने हज़ारा लोगों ट्रीटमेंट करके सर्जरी करके अखा में रोशनी दिती है, असी उस आत्मा का उस आत्मा नमन करते हैं और गुरु पातशाह के चरणों अरदास करते हैं, और पिछे परिवार को और ऑकलस हॉस्पिटल की टीम को संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल की टीम को और संत बाबा प्रीतम दास बाबे जोड़े स्थान तो जितने भी गुरु साहब हुए उन्होंने भी असी अरदास करते कि तुसी भी उन्होंने अरदास करो। तो इतना ही कहता हुआ अरदास शरदा दुश्मन भेट करते हुए खिमत जाचका, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निर्भय सतगुरु अरदास महाराज की जय। धन जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत ही सत्कार जो डॉक्टर आर एल गुप्ता जी ऑकलस हॉस्पिटल तो जो संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाल पिछले 20 साल तो जुड़े हुए सन, और जिन्हें भी अखा के फ्री आई कैंप लगते सन सारे की सेवावान निभाते सन, जो सानू सदा वास्ते दिवी विछोड़ा दे रहे हैं, तो असी उन्हां दी आत्मा की शांति दे अरदास करते हैं। संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल सोसायटी वालों, डेरा संत बाबा प्रीतम दास बाबे जोड़े रायपुर सुरपुर वालों, वो बड़ी अच्छी आत्मा बड़ी पवित्र आत्मा से, और ऑकलस हॉस्पिटल वालों कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों से निवास देवे, क्योंकि उन्होंने जोड़ा घाटा है वह ना पूरा होने वाला घाटा है। बहुत ही मिलापड़े, बहुत ही सूझवान डॉक्टर सन कि सानू कदे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सी आती सर। जिन्हें भी ऑपरेशन साल के 5-6 ऑपरेट होंदे सन, तो सारे दे विच डॉक्टर गुप्ता जी बड़ा वड्डा रोल अदा करते सन, सब तो अगे हो के सारा काम करते सन। सारी टीम की जिम्मेवारी उन्हां दी हुंदी सी, पेशेंट्स की जिम्मेवारी उन्हां दी हुंदी सी, तो असी उस विछड़ी आत्मा नूं रूह नूं शरदा दे फुल भेंट करते हैं, परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणां च निवास दे। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही, मैं नहीं किश हा नहीं, मैं नहीं। डॉक्टर साहब बेनती करम सत्कारयोग संत बाबा निर्मल दास जी महाराज, जिन्हों की सरप्रस्ती थले एडा बड़ा कैंप लाया गया और ताड़े सारे दी अखां बनाई गई, अज जो होया ये देख के साड़ी साइंस ते वार है,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦਮ ਦਬੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।